अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारी किचन में बनने वाला है चटपटा नाश्ता, पूरी समोसा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का तैयार होता है। और इसके साथ हम इंस्टेंट आलू का सॉस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समोसा तैयार करेंगे। तो समोसा तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप के करीब मैदा। तो पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मैदा में हम मिलाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, और 1 टीस्पून जीरा, और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, और 1.5 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें नमक। और ये सारी चीज़ों को पहले अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, तो अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो बस पानी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, डो को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे हम कड़क रखेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। समोसे पर फिलिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, और ये दूसरी कटोरी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में 2 टेबलस्पून के करीब ये मसाला हम कॉर्नफ्लोर में डालेंगे, और बाकी के मसाले को हम बाद में यूज़ करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ऑयल यहाँ कम होता है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे। तो ये देखिए, फिलिंग को हमने तैयार कर लिया है, और इसे हमने थोड़ा सा इस तरह पतला रखा है। तो हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल और गया है, तो करीबन 3 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डाला है। चलिए, तो अब इसे भी रखेंगे हम एक तरफ, और आलू का सॉस तैयार कर लेंगे। आलू का सॉस तैयार करने के लिए 3-4 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू है, और इसे हमने छील लिया है। तो आलू को हम डालेंगे एक जार में। तो यहाँ पर एक जार लेंगे और इसे इस तरह तोड़कर डाल देंगे। तो आलूओं में अब हम मसाले डालेंगे। मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप यहाँ पर तीखा कम खाते हैं तो मिर्च को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1 टीस्पून भर कर लेंगे हम चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास में नींबू है तो फिर 1 से 2 नींबू का रस भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सॉस को हम थोड़ा सा खट्टा बनाएंगे, तो खट्टा सॉस जो है वो अच्छा लगता है। चलिए, तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पहले तो हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे। 1/2 कप पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि आलू पहले अच्छे से पिस जाए, तो इसे अब हम पीस लेंगे। 1/2 कप पानी डालने के बाद में आलू आप देख सकते हैं ये अच्छे से पिसा नहीं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे फिर से पीस लेंगे। सॉस की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बहुत गाढ़ी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। तो इसमें हमने 2.5 कप के करीब पानी डाला है। अगर आप सॉस थोड़ा सा और पतला पसंद करते हैं तो फिर पानी इसमें आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब इसे हम निकालेंगे बाउल में। तो ये सॉस हमने निकाल लिया है, अब इस पर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और ये हरा धनिया रख देंगे। माशाल्लाह, तो ये सॉस तैयार है। अब हम बनाएंगे समोसे। तो ये देखिए, आटे को भी अच्छी तरह रेस्ट मिल गया है। अब इसे एक बार इकसा करेंगे। तो बस इस तरह लंबा करने के बाद में अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो बस ये सारी लोइयां हमने तैयार कर ली हैं, अब इसे हम बेलेंगे। ये तो हम एक लोई लेंगे और इन लोइयों पर हम एक कपड़ा या टिश्यू पेपर ढक कर रखेंगे, ताकि इस पर पपड़ी ना जमे, और इसे अब हम बेल लेंगे। इसे हम बेल लेंगे, और अगर आपको यहाँ पर लगे कि सूखे आटे की ज़रूरत है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैदा ले सकते हैं। तो ये देखिए, पूरी को हमने बेल लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे ये मसाला जो हमने तैयार किया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह मसाला लगाते जाएंगे, और इसे चारों तरफ इस तरह फैलाते जाएंगे, और इसे अब हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो फिर हल्का सा मसाला आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और इसे अब हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो बस इसे हमने एक समोसे की तरह बेल लिया है, ये देखिए। अब इस पर हल्का सा
बेलन लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम हल्के हाथों से ही इसे इस तरह बेल लेंगे और इस पर हम हल्के से निशान दे देंगे ताकि ये जब हम फ्राई करें तो फूले ना, और इस तरह का हम समोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस इसे अब हम रखते जाएंगे एक प्लेट पर। समोसों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये समोसा। तो ये देखिए समोसे जब अच्छे से फ्राई हो जाएं और इन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये समोसे बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। तो ये देखिए समोसों को हमने फ्राई कर लिया है और इस तरह आप सारे समोसों को फ्राई कर लें। तो ये सारे समोसे हमने तैयार कर लिए हैं। अब इस पर हम डालेंगे ये मसाला जो हमने तैयार किया था। तो ये मसाला इस तरह डाल देंगे। आलू के सॉस के साथ समोसा पूरी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये पूरी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसका सॉस जो बना है वो भी बहुत टेस्टी बना है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।